अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार संस्कृत शिक्षक बहाली को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सरकार की तरफ से कि बहाली कब से शुरू होगी। मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम और वीडियो के कमेंट्स में काफ़ी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई बताइए संस्कृत स्कूलों में शिक्षक की बहाली कब से शुरू होगी। तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि स्कूलों में किस तरीके से किस प्रोसेस पे बहाली होगी 2024 में। एक एक करके पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, अभी अभी लगभग कुछ दिन पहले एक सवाल पूछा गया था उप मुख्यमंत्री साहब से बिहार संस्कृत स्कूलों को लेकर कि बिहार संस्कृत जो स्कूल है इतना बुरा हाल क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं बिहार में सबसे बुरा जो हालत है वो दो की है। एक तो मदारिस की है, बिहार मदरसा की है। दूसरी जो बुरी हालत है वो हालत है आपके संस्कृत स्कूलों की। तो जब इनसे सवाल पूछा गया मीडिया कर्मी के थ्रू कि बिहार संस्कृत स्कूलों की इतनी बुरी हालत क्यों है, स्कूलों में बहाली क्यों नहीं आ रही है, शिक्षक काफ़ी कम है, तो इन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि बिहार संस्कृत स्कूलों में भी बहाली होगी। हमारे माइंड में ये बात पहले से है कि बिहार संस्कृत स्कूलों में बहाली दी जाए और अच्छी खासी बहाली दी जाए। ये उप मुख्यमंत्री साहब की तरफ से स्टेटमेंट था जब मीडिया कर्मी साहब ने इनसे सवाल पूछा। ये लगभग काफ़ी दिन पहले की टॉकिंग का, क्योंकि वो वाली वीडियो को मैं कवर नहीं कर पाया था। लगभग आप 10 दिन पहले की ये बात है, छोटी सी क्लिप है, जब मीडिया कर्मी ने बात करते करते इनसे ये वाला सवाल पूछा बिहार संस्कृत स्कूलों को लेकर कि इतनी बुरी हालत क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार संस्कृत स्कूलों में अभी ना तो शिक्षक हैं ना तो शिक्षक सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों को पैसा भी नहीं मिल रहा। आपको पता है कि बिहार संस्कृत शिक्षक को बिहार सरकार काफ़ी कम पेमेंट देती है, वो भी लगभग 10 महीना या फिर 12 महीना या फिर एक साल या दो साल से पेमेंट भी नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए शिक्षक भी काफ़ी परेशान है। तो देखिए, बहाली को लेकर तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि बहाली होगी, कन्फर्म डेट किसी तरीके का इन्होंने अभी तक नहीं बताया। और आपको पता है कि अभी चेयरमैन साहब को लेकर भी बिहार संस्कृत स्कूलों में काम चल रहा है कि नए चेयरमैन को लेकर, जिस तरीके से बिहार मदरसा बोर्ड में नए चेयरमैन को लेकर काम चल रहा है, उसी तरीके से बिहार संस्कृत स्कूल में बिहार संस्कृत बोर्ड में चेयरमैन साहब को लेकर लगातार काम चल रहा है। क्योंकि देखिए, जब तक आपके बोर्ड में चेयरमैन नहीं रहेंगे तब तक कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। जैसे आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नहीं है, अब्दुल सलाम साहब थे उनको हटा दिया गया है, तो वहाँ पे भी मदरसे में भी सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा। तो इसी वजह से बिहार संस्कृत स्कूलों में भी काम जो है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस सही तरीके से नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब भोला यादव साहब जो चेयरमैन थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि 5 से 6 महीने पहले कहा था कि बिहार के संस्कृत स्कूलों में 5000 पद पर बहाली होगी, ये उन्होंने कहा था लगभग 6 महीना पहले उन्होंने साफ साफ कहा था। इसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था, उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा और दो या तीन जिला में ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका था, जैसे मुजफ्फरपुर और एक दो जिला और था जहां पे ड्राफ्ट तैयार हो चुका था। बट आपको पता है कि उसके बाद कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं निकल कर आई कि बहाली प्रॉपर तरीके से हुई या फिर नहीं हुई। किसी का कहना है कि बहाली हुई, बहाली एक दो जगह ज़रूर हुई, पैसा देकर वहाँ पे शिक्षकों की बहाली हुई, बट वहाँ पे जो बहाली हुई है वो खाली पद पर बहाली हुई है। जिस तरीके से आपको पता है कि बिहार मदरसा में अनुकंपा की बहाली हुई है,
प्रॉपर बहाली अभी तक नहीं आई है और उप मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि जल्द बिहार संस्कृत स्कूलों में भी बहाली होगी। अब जो बहाली है कि अगर बहाली आती है, क्योंकि बहाली को लेकर इन्होंने साफ साफ कहा कि बहाली आएगी बट कन्फर्म डेट नहीं बताया, तो इसीलिए मैं आपको कन्फर्म डेट नहीं बता रहा हूँ कि बहाली कब से आएगी, कब होगी। अगर बहाली आती है तो बहाली जो प्रोसेस पे बहाली जो होगी, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार भी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था भोला यादव साहब की तरफ से, उन्होंने कहा था कि पुराने प्रोसेस पे अब बहाली नहीं होगी, नए प्रोसेस पे बहाली होगी। क्योंकि आपको पता है कि हर जगह नई नियमावली बनाई गई, जैसे मदरसे में बनाई गई उसी तरीके से संस्कृत स्कूलों में भी काफ़ी चेंजेस कर दिया गया। और आपको पता है कि बिहार संस्कृत स्कूल और बिहार मदरसा का संशोधन हो चुका है, यानी कि अब जो भी काम होगा वो नए प्रोसेस पे होगा, पुराना प्रोसेस पे कोई भी अब काम नहीं होने वाला है संस्कृत स्कूलों में। तो जो शिक्षक जो वेट कर रहे हैं बहाली को लेकर कि हम बहाली में फॉर्म भरेंगे, तो माइंड में आपको बैठा लेना है कि आपकी जो बहाली होगी इस बार जो शिक्षक बनेंगे वो नए प्रोसेस पे बनेंगे, आपको पुराना प्रोसेस लेकर नहीं चलना है, नए प्रोसेस पे बहाली होगी। अब नए प्रोसेस में किस तरीके से होती है, क्योंकि आपको पता है कि नए प्रोसेस में ये होगी कि मेरिट लिस्ट पर बहाली होगी। हमें ज़्यादातर जो लग रहा है कि मेरिट लिस्ट पे ये बहाल किया जाएगा, क्वालिफिकेशन आपकी चेक की जाएगी, आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, तब जाके बिहार संस्कृत स्कूलों में आपको बहाल किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में संस्कृत स्कूलों की भी तादाद काफ़ी कम है, और आपको पता है कि अभी सरकार की वजह से स्कूल जो शिक्षक है वो सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हैं और उनका पढ़ाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार उनको पेमेंट ही नहीं दे रही, दो साल ढाई साल एक साल से पेमेंट नहीं मिल रही, इसीलिए संस्कृत स्कूलों की जो हालत है दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। जिस तरीके से बिहार मदरसा की हालत बदतर हो रही है, उसी तरीके से बिहार संस्कृत स्कूलों की भी जो हालत है काफ़ी बुरी होती जा रही है। अब देखना होगा कि कब तक बहाली निकल कर आती है, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई बहाली को लेकर एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए। तो मुझे इसीलिए वीडियो बनाना पड़ा कि कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री साहब ने सवाल का जवाब ज़रूर दिया था कि बहाली बिहार संस्कृत स्कूलों में बहाली होगी, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया और बिहार संस्कृत शिक्षक बहाली को लेकर कोई भी नई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया कि बहाली कैसे होगी, किस तरीके से बहाली होगी। क्योंकि आपको पता है कि अपर मुख्य जो सचिव हैं के पाठक साहब हो या फिर किसी तरीके से वजीर तालीम हो, किसी तरीके से कहीं से भी अपडेट नहीं निकल कर आई है बिहार संस्कृत शिक्षक बहाली को लेकर। अगर किसी तरीके की कोई भी अपडेट निकल कर आएगी मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि अभी संस्कृत स्कूलों में बहाली को लेकर काफ़ी शिक्षक परेशान है। जैसी कोई भी अपडेट निकल कर आएगी मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा।